राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर में छात्र संघ का चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गया है। छात्र संघ के चुनाव अधिकारी डॉक्टर एसएस रावत ने चुनाव परिणामों की घोषणा करते हुए बताया कि विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद पर लक्ष्मण सिंह ने 595 मत प्राप्त किए हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राजेंद्र प्रसाद को 108 मतों से हराया। अध्यक्ष पद पर अंशुल भंडारी ने 612 मत प्राप्त किए। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी धीरज सिंह को 129 मतों से हराया। सचिव पद पर नितिन सिंह ने 667 मत प्राप्त किए। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रोहित कुमार को 266 मतों से पराजित किया, जबकि उपाध्यक्ष पद पर नीरज सिंह और सह सचिव पद पर पवन सिंह, कोषाध्यक्ष पद पर अंजलि नेगी, कार्यकारी सदस्य के पद पर कनिष्का एवं किश्वरन सिंह निर्विरोध निर्वाचित हुए। चमोली से संदीप की रिपोर्ट। धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे इतना बड़ा पद देकर मुझे आज निर्वाचित किया है और उनकी वजह से आज मैं इस जगह पर खड़ी हूँ। और मैं आपको आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आने वाले समय में अपनी छात्रा बहनों और छात्र भाइयों के लिए, उनके हित के लिए कार्य करूँगी और समाज के लिए कार्य करूँगी और हर समय उनके साथ खड़ी रहूँगी। और मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मेरे पीछे जिन भी कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, मुझे उनकी लगन और मेहनत पे पूरा विश्वास था। और बाकी मैं आइए भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन से लड़ा हूँ और यहाँ पे जीता हूँ। इस चुनाव में जो हमारे छात्र संगठन युवा भाई 23 के पास सफल हुए, इस चुनाव में हमने जो हमारे 7 नवंबर चुनाव हुए थे जिनमें विश्वविद्यालय प्रतिनिधि, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष और कार्यकारी सदस्य, इनमें से हमारे कार्यकारी सदस्य में 2 सदस्य निर्विरोध रहे और कोषाध्यक्ष पद